दिवि सूर्या सहस्रस्य भावेद युगपत उतितः यदि भा सदृशी सा सयद भास तस्य महात्मनः। ये श्लोक है भगवत गीता के चैप्टर 11 वर्स 12 से, जिसका मतलब है इफ अ थाउजेंड सन वर्ल्ड ब्लेज फोर्थ टुगेदर इन द स्काई दे वुड नॉट मैच द स्प्लेंडर ऑफ दैट ग्रेट फॉर्म। माने अगर हजार सूरज भी आसमान में जगमगाएं तो वो भी ऊपर बैठे उस भगवान की किरणों को मैच नहीं कर पाएंगे। ये वो श्लोक है जो ओपनहाइमर ने अपने ही बनाए हुए बॉम्ब को जब पहली बार डेटोनेट होते हुए देखा, तब उनकी जुबान से भगवत गीता का यही श्लोक निकला, वो भी संस्कृत में। रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में हुआ था। लेकिन क्या वो एक अमेरिकी थे? जी नहीं, ओपनहाइमर के फादर जर्मन माइग्रेंट थे जो जर्मनी से माइग्रेट होकर के अमेरिका आए थे, और अमेरिका आकर के उन्होंने शुरू किया अपना खुद का एक टेक्सटाइल बिजनेस। वहीं दूसरी तरफ ओपनहाइमर की मदर, जिनका नाम था एला ओपनहाइमर, वो एक पेंटर थी। रॉबर्ट ओपनहाइमर अपने बचपन से ही काफी ब्राइट स्टूडेंट थे। अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ ओपनहाइमर का इंटरेस्ट मिनरलॉजी में भी काफी ज्यादा था, और इसका श्रेय उनके ग्रैंडफादर को जाता है। रॉबर्ट अपने बचपन में किसी रेगुलर स्कूल में ना जाकर के न्यूयॉर्क स्कूल फॉर एथिकल कल्चर में एडमिशन लेते हैं। महज 5 साल की उम्र में ही रॉबर्ट ओपनहाइमर ने अपना सबसे पहला मिनरोलॉजिकल स्पेसिमेन को कलेक्ट किया था, और 11 साल के होते होते वो न्यूयॉर्क मिनरोलॉजिकल क्लब के एक इलेक्टेड मेंबर भी बन चुके थे। अपने स्कूल खत्म होने के बाद ओपनहाइमर डिसाइड करते हैं हार्वर्ड से अपनी केमिस्ट्री की पढ़ाई को कंटिन्यू करना, लेकिन वहां जाने से पहले ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनके फादर उन्हें कुछ वक्त के लिए न्यूयॉर्क से न्यू मैक्सिको सिटी भेज देते हैं। न्यू मैक्सिको सिटी से वापस आकर के ओपनहाइमर हार्वर्ड ज्वाइन कर लेते हैं जब वो सिर्फ 17 साल के थे। अपने हार्वर्ड की पढ़ाई के दौरान ओपनहाइमर का इंटरेस्ट फिजिक्स में हो रहे रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी हार्वर्ड की पढ़ाई के बाद रॉबर्ट डिसाइड करते हैं कैम्ब्रिज जाना, जहाँ वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड की लैब में काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन उन्हें वहां से रिजेक्शन मिलता है। लेकिन अपने एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स के कारण रॉबर्ट के कैम्ब्रिज के प्रोफेसर, जिनका नाम था पर्सी ब्रिजमैन, उनको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देते हैं, जिसके बाद रॉबर्ट जे.जे. थॉमसन के साथ उनकी लैब में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा लड़का जो हमेशा से एकेडमिक्स में आगे रहा हो, उसके लिए अचानक से इतने सारे फेलियर और रिजेक्शन देखना कि लाइफ को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। ये वही दौर था जब रॉबर्ट ओपनहाइमर डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, और उसी के साथ साथ उन्हें डायग्नोस किया गया था शिजोफ्रेनिया नामक एक डिजीज के लिए भी। इस वक्त वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगे थे कि वो एक चेन स्मोकर भी बन गए। लेकिन 22 की उम्र के होते होते उनके ऊपर नजर पड़ती है मैक्स बॉर्न की, जो कि एक पायनियर थे उस वक्त क्वांटम थ्योरी में। मैक्स ओपनहाइमर को अपने साथ यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन में काम करने के लिए बुलाते हैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एनरिको फर्मी, वर्नर हाइजेनबर्ग, वुल्फगैंग पाउली और एडवर्ड टेलर जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट पहले से ही मौजूद थे। कॉटिंजन में अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर यूएस वापस आकर के बर्कले की एक यूनिवर्सिटी, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, को ज्वाइन करते हैं एज अ प्रोफेसर, और वहां पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनके एक्सीलेंट एकेडमिक से हट करके अगर उनके पर्सनल आइडियोलॉजी की बात की जाए तो रॉबर्ट ओपनहाइमर काफी हद तक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंप्रेस्ड थे। लेकिन जब वो रशिया में स्टालिन के किए गए डिक्टेटरशिप के स्टेप्स को देखते हैं, तो उनका इंटरेस्ट और उनका फेथ धीरे धीरे करके कम्युनिज्म से कम होने लगता है। कट टू 1938, ये वो वक्त है जिसके ठीक एक साल बाद वर्ल्ड वॉर टू होने वाली थी। 1938 के दिसंबर में दो जर्मन साइंटिस्ट, जिनका नाम था ऑटो हैन
एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर के न्यूक्लियर फिजन को डिस्कवर करते हैं। न्यूक्लियर फिजन के अंदर एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम एटम के साथ कोलाइड कराया जाता है, जिस वजह से यूरेनियम के एटम के कुछ हिस्से होते हैं और जब वो उन हिस्सों में टूटता है वो एमिट करता है काफी बड़े अमाउंट में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन, और ये प्रोसेस बार बार लगातार होता जाता है, और यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। इस न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी के बाद तीन हंगेरियन साइंटिस्ट को ये डर था कि अगर हिटलर को इस डिस्कवरी के बारे में पता चला और उसने सबसे पहले एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर होगी। इस चीज को रोकने के लिए इन तीनों साइंटिस्ट में से दो साइंटिस्ट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदद से यूएस के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को इस चीज के बारे में एक लेटर के जरिए बताया। लेटर मिलते ही रूजवेल्ट ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता के साथ लिया और उसी के साथ एक टीम बनाने का ऑर्डर भी दिया। इस टीम को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल लेजली ग्रोव्स और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे साइंटिस्ट और मिलिट्री पर्सनल की मिला करके एक टीम बनाई जिसको हेड किया रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। जी हाँ, वही रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो यूएसए में बर्कले के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे थे, अब वही ओपेनहाइमर मिलिट्री पर्सनल को उन्हीं की भाषा में पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी दिया करते थे। एटम बॉम्ब बनने के बाद एक अनपॉपुलेटेड जगह को चूज करना था जिसके लिए ओपेनहाइमर ने लॉस एलामोस ऑफ न्यू मेक्सिको को चूज किया, जहां पर वो हार्वर्ड को ज्वाइन करने से पहले रहने के लिए भी आए थे। एटम बॉम्ब के पहले टेस्ट को नाम दिया गया था द ट्रिनिटी। न्यू मेक्सिको के लॉस एलामोस में इस टेस्ट द ट्रिनिटी को एग्जीक्यूट किया गया, जब पहली बार ओपेनहाइमर के बनाए गए इस न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया गया, डेटोनेट किया गया, तो उससे निकली हुई रोशनी को देख करके ओपेनहाइमर की जुबान से वही गीता का श्लोक निकला जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। आगे की कहानी आप सभी जानते होंगे। 6 अगस्त 1945 में यूएस ने पहली बार हिरोशिमा के ऊपर पहला एटम बॉम्ब गिराया और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में सेम एक और बॉम्ब गिराया गया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का मानना है कि इस बॉम्बिंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पहले बॉम्बिंग के बाद भी जापान ने किसी भी तरह से सरेंडर करने से मना कर दिया था। ये थी हमारी आज की सुपर सैटरडे की वीडियो। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी।